मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आइए, किसी ने सवाल पूछा है, डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला आलिम नहीं थे, किसी मदरसे से भी नहीं पढ़े थे, फिर भी इतना दीन का काम किया जितना हमारे किसी अकाबिर उलमा ने नहीं किया, और ना ही अभी कोई ऐसा काम कर रहा है इतना मौसर, इसकी क्या वजह है? ये बहुत ज़्यादा गुलू किया है, ये कहना कि हमारे अकाबिर में किसी ने इतना दीनी काम नहीं किया जितना उन्होंने किया। हमारी कौम में एक बड़ा मसला ये है कि नफ़रत भी एतदाल से हट के और अकीदत भी एतदाल। ये डॉक्टर इसरार ने ख़ुद भी कभी ये दावा नहीं किया होगा कि जितना मैं दीन का काम कर रहा हूँ मैंने किया, किसी और ने नहीं किया। ये बाज़ लोग ना अपने बड़ों से भी आगे निकल जाते हैं, बड़े बड़े अकाबिर हैं जिनके ऐसे ऐसे खिदमात हैं कि आपकी सोच, आप एक महदूद कमरे में बैठे हुए हैं। डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह ने दीन का बहुत काम किया, लेकिन ये कहना कि सबसे ज़्यादा किया या जितना उन्होंने किया इतना किसी ने नहीं किया, ये गुलू है, मुबालगा है। बाज़ लोगों का काम अवाम में होता है बहुत, जैसे मेरा काम पब्लिक में है। अब मैं कहूँ जितना मैं दीन का काम कर रहा हूँ दूसरे उलमा नहीं कर रहे, ये झूठ होगा, ये क्या होगा, बहुत बड़ा झूठ होगा। क्योंकि मैं मदरसों में पढ़ता हूँ, मुझे पता है कि मदरसों की चार दीवारी में बैठ के जो इल्मी काम हो रहा है जिन उलमा का, ऐसे ऐसे मुश्किल मुश्किल तहकीकी काम वो कर रहे हैं कि उसके लिए ठीक ठाक सलाहियत चाहिए, ठीक ठाक टाइम चाहिए, और इंतहाई कम तनख्वाहों में वो काम कर रहे हैं। अगर वो रिसर्च सेंटर में ना हो, वो ये काम छोड़ दें तो आगे आप, मैं आसान मिसाल से बात समझाता हूँ। देखो, एक कैंसर का डॉक्टर आया, धड़ाधड़ बीसियों हज़ारों मरीजों का उसने इलाज किया और सब अस्पतालों में विजिट कर रहा है, यूट्यूब पे उसके क्लिप आ रहे हैं। अब आपको कैंसर का ये डॉक्टर जितना कैंसर का इलाज कर रहा है कोई भी नहीं कर रहा, तो वो डॉक्टर कहेगा भाई मैं आवाम में हूँ, लेकिन जो लंदन के मरकज़ में जो कैंसर के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं ना, सुबह शाम कैंसर पर रिसर्च करते रहते हैं, उनकी रिसर्च है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। या हमारे जो टीचर्स हैं जिससे मैंने पढ़ा है वो हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो वो मेहनत ना करते तो हम पैदा ना होते। तो डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह ने भी कुछ तफसीरों का मुताला करते थे ना, वो तफसीरें किसकी लिखी हुई थी, वो तो उलमा की लिखी हुई थी सारी तफसीरें, और वो बताते भी थे। डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह की सबसे खानदानी बात ये थी कि उन्होंने ये दावा कभी नहीं किया, उलमा से कटाया नहीं है लोगों को। आज जितने स्कॉलर्स आ रहे हैं ना जो आलिम नहीं है, उनका वे ऑफ टॉकिंग जो है ऐसा होता है कि बस हम ही हैं, बाकी सारे क्या हैं, गलत है। डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह ने तो उलमा की खिदमात का एतराफ़ किया, बर्रे सगीर के उलमा ने क्या क्या खिदमात की हैं। फिर वो जो किताबों का मुताला करते थे, जिन उर्दू तफसीरों को वो देखते थे, वो तो सारी बर्रे सगीर के उलमा ने लिखी हुई हैं। वो उन्होंने बयानुल कुरान का भी हवाला दिया जो मौलाना शफी थानवी का लिखा हुआ है, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह की किताब का भी हवाला दिया। तो वो तो अगर ये उलमा किताबें ना लिखते तफसीर की इतनी मेहनत करके, तो वो दर्स भी नहीं दे सकते थे। तो यूं कहा जाएगा डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह ने दीन की बहुत ज़्यादा खिदमत की है, ये कहना कि सबसे ज़्यादा की है, ये दावा ये बहुत मुश्किल होता है। बहुत से लोग अवाम में नहीं होते लेकिन उनका काम बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत से लोग अवाम में होते हैं लेकिन यूट्यूब की सोशल मीडिया पर नहीं है वो। हज़रत मौलाना सरफराज ख़ान सफदर साहब रहमतुल्लाह अलैह जो गुजरांवाला में होते थे, 20 साल उन्होंने तफसीर का लेक्चर दिया है और बहुत ही इल्मी लेक्चर होता था उनका, लेकिन मीडिया पर नहीं है। और 20 दफ़ा उन्होंने पूरा कुरान तफसीर के साथ ख़त्म करवाया, और वो ऐसा उनका लेक्चर होता था कि एक एक जब हज़रत मौलाना सरफराज खान सफदर साहब रहमतुल्लाह की अगर आप किताब पढ़ेंगे ना तहकीकी, कोई भी जब किसी मसले पे तहकीक करते हैं, तो एक सफ़ा लिखने में इंसान फैसला करता है कि इनको कम अज़ कम 2-3 महीने लगे होंगे, उसमें इतनी रिसर्च होती है। क्यों? ये तो अब YouTube की दुनिया में और सोशल और इंटरनेट के जरिए किताबों का मवाद हमारे पास आ गया, उस वक्त ऐसा नहीं होता था। उनको जब कोई हवाला दिया ना किताब, पता चला ये किताब तुर्की के फलां मकतबे में है, बंदे को भेजा जहाज़ का टिकट करा के, तुर्की के फलां मकतबे में लाइब्रेरी में जा, ये किताब खोल पढ़, ये है या नहीं है, और सफ़ा नंबर मुझे बताओ फ़ोन पर। इस तरह उनके एक एक सफ़े पर दर्जनों किताबों के हवाले होते थे, और हर हवाले में ये काम करते थे वो। एक सफ़ा लिखने में कितनी मेहनत हुई होगी। आज हम उनकी तहकीक से फ़ायदा उठाते हैं, किताब दर हम खोल के क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अब मैं अगर मौलाना सरफराज खान सफदर साहब की किताब पढ़ूँ और मैं यहाँ रिपोर्ट पेश कर दूँ और अपने नाम से तहकीक पेश कर दूँ, आजकल ये खयानतें भी बहुत हो रही हैं, तहकीक किसी की होती है, नाम कोई और, अब मैं पेश कर दूं, लोग कहेंगे मौलाना तारिक मसूद साहब से अल्लाह ने जो काम लिया है ना वो किसी से नहीं लिया, वो सरफराज खान सफदर साहब रहमतुल्लाह से नहीं लिया। तो ये बात
आप तो कहोगे, लेकिन जिससे ले रहा है ना वो कहेगा बेटा ऐसा नहीं है, सही है ना, हमने उनकी किताब से बहुत फायदे उठाए हैं। तो ये जितने मुनाजिर आ रहे हैं ना मार्केट में, जो चैलेंज और ये और वो, इनकी अपनी तो 5 रुपए की तहकीक नहीं होती, 5 रुपए की, ये सारी दूसरों की किताबों की से तहकीकात चोरी करके मार्केट में ला रहे होते हैं। यही वजह है कि दूसरे ने जो गलती की होती है ना, ये वो गलतियां कर रहे हैं। 20 रकत तरावी पे एक क्लिप है, एक ज़ईफ हदीस किसी ने पेश की 8 रकत तरावी पे और दावा किया गोल्डन सनद है, गोल्डन, ठीक है ना, हालांकि वो ज़ईफ सनद है, गोल्डन तो बहुत दूर की बात है, वो सिल्वर की सनद भी नहीं है, गोल्डन की कहां से होगी। तो वो पता है क्या है, वो जिसने 8 रकत तरावी पे किताब लिखी है ना, मैं नाम नहीं लूंगा जिसकी किताब, और वो फिर मसले खड़े होते हैं, कोई फायदा नहीं है, नफरतें फैलती हैं, लेकिन मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं, 8 रकत तरावी पे गोल्डन सनद, वो अपनी तहकीक नहीं है, वो जिस बेचारे ने लिखी थी 8 रकत तरावी पे उसको गलती हो गई थी गोल्डन सनद कहने में, उसने गोल्डन लिख दी, यूट्यूब पे कहने वाले ने भी गोल्डन कह के पार्सल कर दी। तो ये आजकल के स्कॉलर्स की तहकीकात हैं, समझते हो कि नहीं, वो गोल्डन चला रहा है, हालांकि ना गोर ज़ईफ सनद है, मुस्तरब है, उसको बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने ज़ईफ करार दिया। अच्छा, मैंने चूंकि 8 रकत तरावी पे उन लोगों की किताबें पढ़ी है ना, तो मुझे फिर वो समझ जाता हूँ ये गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो जिसने 8 रकत तरावी पे किताब लिखी, उसने एक और दावा किया कि बिल इत्तिफाक ये हदीस सही है। तो जिसने यूट्यूब पे क्लिप बना के डाला, उसने कहा बिल इत्तिफाक ये हदीस क्या है, अबे यार फेंकने की हद होती है यार। लेकिन लोग कहेंगे इसकी तहकीक देखो यार, खानदानी, हालांकि तहकीक किसकी है, जिसकी है उस बेचारे का तो नाम भी कोई नहीं जानता। तो ये फैसला आवाम के लिए कि कौन दीन की खिदमत ज्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है, ये आसान काम नहीं है। इसमें खामोशी इख्तियार किया करो, ये कहो फला से अल्लाह ने दीन की बहुत खिदमत ली है, बस। इससे आगे बढ़ के दूसरों की नफी करना शुरू कर देना, फला से नहीं ले रहा, फला से नहीं ले रहा, ये नेगेटिविटी है, इससे नफरतें फैलती हैं। और डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह की तो पॉजिटिव बात ही यही थी कि वो उलमा का हवाला भी देते थे। मैंने उनका जब पहला लेक्चर सुना, मैं उनसे बड़ा मुतासर हुआ। उन्होंने कहा मैं बाकायदा आलिम नहीं हूँ और मैं सरफ व नहव में माहिर नहीं हूँ, अरबी ग्रामर। मैंने कहा यार इनके एक नंबर होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि पहले लेक्चर में इन्होंने कह दिया कि मैं अपनी नफी कर दी कि मुझे अरबी ग्रामर में ज्यादा महारत नहीं है, और बता दिया कि मैं तफसीरों का हवाला पेश करता हूं। लेकिन उनका वे ऑफ, फिर वो इतने मशहूर क्यों हो गए, सवाल पैदा होता है ना, कि जब वो तो दूसरी किताबों से तहकीक करके पेश कर रहे थे। दो वजह से, एक तो इसलिए हो गए कि उनका बोलने का अंदाज बड़ा जानदार था, नंबर दो उनके पास दुनिया की नॉलेज भी बहुत थी। आसानी होती है जिसके पास दुनिया की नॉलेज होती है ना, कुरान की आयतें फिर वो जमाने पर फिट करता है। तो तफसीरें तो वो उलमा ही की पढ़ते थे जिन्होंने मेहनतें कर करके तफसीरें लिखी हैं। और तीसरा इखलास भी, बहुत सारी चीजें, और चौथी अल्लाह की मदद भी होती है बाज़ दफ़ा। तो लेकिन उन्होंने कभी दूसरों की नफी नहीं की, बल्कि एहतराम करते थे। तो उनके जो शागिर्द हैं उनको भी चाहिए कि इस तरह का जुमला ना कहा करें। बड़े बड़े उलमा उनसे बड़े पढ़े हुए हैं, जिन्होंने उनसे बीसियों को ना ज़्यादा काम किया है। तो काम उलमा के सामने है, अवाम के सामने नहीं है। उलमा जब उनकी किताबें पढ़ते हैं तो कहते हैं यार ये बड़ा बहुत काम है, तभी वो उलमा उलमा भी हैं। वो ना होते तो उलमा भी बहका, हम भी, अगर ये बड़े बड़े अल्लामों ने किताबें ना लिखी होती तो मेरा एक ऐसा चैनल होता कि मैं अपना एक फ़िरका बना के बैठा होता, क्योंकि मैंने उलमा की किताबें पढ़ी हैं, हर एक के दलाइल पढ़े हैं। तो मुझे पता है भाई ये ऐसा नहीं है कि आपके अलावा भी बड़े बड़े फंटर दुनिया में पढ़े हुए हैं, तो आप उनकी तरफ लोगों को लेकर आओ।